भीषण घटना हुई है, पप्पू यादव से जुड़ी बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। पप्पू यादव के साथ भीषण घटना हुई है बीते रात में। जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव सोमवार की देर रात भीषण हादसे के शिकार हो गए हैं। हादसा इतना जबरदस्त था कि पप्पू यादव की सुरक्षा में तैनात जो है एस्कॉर्ट की गाड़ी पलट कर रोड के किनारे चली गई। वही काफिले में शामिल एक गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। गाड़ी का अलग अलग भाग कवार में तब्दील हो गया। इस भीषण हादसे में किसी तरह की जो है हताहत की तस्वीरें सामने निकल के नहीं आई पप्पू यादव को लेकर, लेकिन देखा जाए तो उनके एस्कॉर्ट के जो कर्मी हैं वो कहीं ना कहीं घायल हो गए, तो वहीं पप्पू यादव बाल बाल बच गए हैं। हालांकि उनके काफिले के साथ चल रहे कई नेता गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, वहीं जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है। हादसा आरा और बक्सर के बीच ब्रह्मपुर में हुआ है। वहीं ब्रह्मपुर फोर लाइन पर सोमवार की देर रात की यह घटना है। बता दें कि पप्पू यादव सारण जिले से लौट रहे थे। वह मुबारकपुर कांड में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे। लौटते समय आरा बक्सर के बीच ब्रह्मपुर फोर लाइन पर देर रात की घटना है, जहां पर उनके काफिले का भीषण एक्सीडेंट हो गया। भीषण घटना हुई है। बताया जा रहा है कि हादसा ओवरटेक कर रहे एक ट्रक की वजह से हुआ है, तो वहीं ट्रक के ओवरटेक करने के बाद से जो है कहीं ना कहीं कई गाड़ियां आपस में टकरा गई है। इस हादसे में पप्पू यादव की सुरक्षा में तैनात कई जवान भी बुरी तरह से घायल हो गए हैं, तो वहीं यह तस्वीर आपके सामने है, देख सकते हैं। आरा बक्सर फोर लाइन के बीच की खबर है ये, और तस्वीर आपके सामने है। गाड़ी के परखच्चे पूरे तरीके से उड़ गए हैं, लेकिन पप्पू यादव सही सलामत है, लेकिन उनके जो नेता है वो कहीं ना कहीं सही सलामत नहीं है, काफी घायल हो गए हैं। तो वहीं उनके कई एस्कॉर्ट के जो कर्मी हैं, जो उनके बॉडीगार्ड हैं, वो कहीं ना कहीं घायल हो गए। तो यह तस्वीर जाप सुप्रीमो से जुड़ी बड़ी है। वहीं जाप सुप्रीमो से जुड़ी बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। आपको हम बड़ी खबर बता रहे हैं, देख सकते हैं किस तरीके से। तस्वीर ब्रह्मपुर की है, जहां पर पप्पू यादव की तस्वीर आप देख रहे होंगे किस तरीके से। तो वहीं क्या कुछ कह रहे हैं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, वो सुने आप लोग। मैं शुक्रगुजार हूँ ईश्वर का कि हम सब लोग सुरक्षित हैं। छपरा की घटना के बाद बक्सर निजी कार्यक्रम परमानंद जी जो उपाध्यक्ष के चुनाव लड़ रहे थे, उनके बच्चे की शादी और एक घटना घटी थी, जिसमें हम आरा के जिला अध्यक्ष हमारे नेता बबन जी और हमारे जिला अध्यक्ष बक्सर सभी गाड़ियों के साथ आ रहे थे, जिसमें कोई एक ओवरलोड ट्रक लगातार ओवरटेक करने के कारण हमारे गार्ड को उससे बचाना पड़ा, और गार्ड यदि नहीं होती तो घटना बड़ी घट सकती थी। 11 लोग लगभग घायल हैं। जिला अध्यक्ष सुनील जी के साथ दिनेश जी और अन्य लोगों के हाथ टूट चुके, किसी के सीने पर बहुत चोट है, किसी के पीठ पे बहुत चोट है, और दो दो बीएमपी के गार्ड को चोट है, हमारे एक एस्कॉर्ट ड्राइवर को बहुत ज्यादा माथे में चोट है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि जो बिहार की ओवरलोडिंग, जो बालू या कई सारी चीजें जो लगातार हो रही है, वो खास तौर पर डोरीगंज पुल से लेके यहां तक, वो बहुत गलत है।